प्रॉब्लम भी है। मेरा ऐसा बोलना है कि जेएनयू में जो बर्बरता हुआ है, जो जुर्म हुआ है, उसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और हम चाहते हैं आप मेरे पीछे नारे लगाइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आवाज नहीं पहुंच रही यहां तक, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, जामिया तेरे खून से इंकलाब आएगा, जेएनयू तेरे खून से इंकलाब आएगा, एमयू तेरे खून से इंकलाब आएगा। लड़कियों का एक बहुत बड़ा हाथ रहा इस प्रोटेस्ट के दौरान, लड़कियों के लिए भी हम लोग को नारे लगाएंगे। जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, यही आपको रिपीट करना है। जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, आना चाहिए। जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, तोड़ के दिखाया है सीएबी को, एनआरसी को तोड़ के दिखाया है, तो सीएबी को एनआरसी को तोड़ के दिखाया है, सीएबी को एनआरसी को तोड़ के दिखाया है। जामिया की, जामिया की, जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, तो जामिया की लड़कियों को इंकलाब जिंदाबाद। आज दोस्तों हमने बचपन से यही सुन रखा था कि पुलिस जो है वो रक्षक है हमारे देश में, हमारे देश में रक्षक है। लेकिन अब इन मुजाहिरों के बाद, ये दो काले कानून पास होने के बाद, एक काले कानून पास होने के बाद, अब हमें ये मालूम पड़ा कि इस देश की पुलिस, खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जो है वो भक्षक है और कहीं पे दर्शक है। क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए कि भक्षक कहां पर है और दर्शक कहां पर है। जब मैं भक्षक कहता हूं तो मेरी मुराद जामिया मिलिया ग्रे मिलिया से है, और जब मैं दर्शक कह रहा हूं तो मेरी मुराद जो है वो जेएनयू से है। दोस्तों जेएनयू में हमारे स्टूडेंट ब्रदर्स पे जो है बहुत जोरदार हमला हुआ, हम तो कहते हैं कि एक आतंकी हमला है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमला हुआ इससे मुझे कोई ताज्जुब और कोई भी हैरानी नहीं हुई। मैं आज खुले तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मुझे जरा सी भी हैरानी, आश्चर्य और ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि जिन लोगों का आदर्श ही नाथूराम गोड से है वो लाठी उठा सकते हैं, कदम कभी नहीं उठा सकते। अगर पुलिस को सबक लेना ही चाहिए तो वो हमारे महाराष्ट्र उसको हमारे दरमियान मौजूद है, जामिया मिलिया इस्लामिया के हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे दरमियान मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नोमान आजमी की, जो वहाँ के इस तरह के दहशतगर्द हमलों के एक विक्टिम भी रहे हैं, जो अपने आंखों देखा हाल आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इतला, इतला।